हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ 26 नवंबर, इन विच वी विल कवर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट बिगिन आवर सेशन। और फर्स्ट टॉपिक इज सेक्शन 118 ए इन द केरला पुलिस एक्ट। तो जो सेक्शन 118 ए है केरला पुलिस एक्ट में, उसके बारे में हम जानेंगे। केरला गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेक्शन 118 ए इन द केरला पुलिस एक्ट टू पेनालाइज ऑफेंसिव, अब्यूसिव एंड थ्रेटनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट। केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 118 ए को केरला पुलिस एक्ट में, ताकि वो पेनालाइज कर सके ऑफेंसिव, अब्यूसिव एंड थ्रेटनिंग जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके लिए। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, हूएवर मेक एक्सप्रेसेस, पब्लिशेस और डिसेमिनेट थ्रू एनी काइंड ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एनी मैटर और सब्जेक्ट फॉर थ्रेटनिंग, अब्यूजिंग, ह्यूमिलेटिंग और डिफेमिंग अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, नोइंग इट टू बी फॉल्स एंड दैट काउज इंजुरी टू द माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी अदर पर्सन इन हुम दे हैव इंटेंट सेल और कन्विक्शन, बी पनिश विथ इम्प्रेजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपी और विथ पोर्ट। इस लॉ के अनुसार जो भी कोई एक्सप्रेस करे, पब्लिश करे व डिसेमिनेट करे किसी भी मोड में, कम्युनिकेशन में, कोई भी मैटर व सब्जेक्ट जो कि थ्रेटन करे, अब्यूज करे, ह्यूमिलेट करे व डिफेम करे किसी भी पर्सन व क्लास ऑफ पर्सन को, वो ये जानते हुए कि ये गलत है और इसके कारण इंजुरी होगा उसके माइंड पे, रेपुटेशन होगा उसके प्रॉपर्टी पे उस पर्सन के व क्लास ऑफ पर्सन के, व कोई भी पर्सन जिसका इंटरेस्ट जो है कन्विक्शन के तरफ हो उसको पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 ईयर्स का होगा मैक्सिमम, और फाइन जो कि 10,000 तक का होगा व दोनों। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन फेस 3 ईयर इन जेल एंड फाइन ऑफ ₹10,000 फॉर एनी सोशल मीडिया पोस्ट दैट इज कंसिडर ऑफेंसिव और डिफेमेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्सन है उसको 3 साल के जेल की सजा और फाइन होगा ₹10,000 का अगर वो कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करता है जो कि ऑफेंसिव व डिफेमेटरी होगा। दिस इज नॉट जस्ट फॉर राइटिंग और क्रिएटिंग सच अ पोस्ट, बट दोज हु शेयर दैट पोस्ट और ओपिनियन विल ऑल्सो फेस द सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट। और ये सिर्फ उसी, ये इसलिए नहीं है कि आप लिखोगे उस पोस्ट को व क्रिएट करोगे तब, अगर आप शेयर करते हो उस पोस्ट को व उस ओपिनियन को तो आपको सेम काइंड ऑफ पनिशमेंट होगा जो कि उस पोस्ट को क्रिएट किया है व लिखा है। नीड फॉर, जरूरत क्यों पड़ा। अ सिमिलर लॉ वॉज रिपील बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015 अलोंग विद सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट, सेक्शन 180D ऑफ द केरला पुलिस एक्ट फॉर बीइंग अ थ्रेट फॉर फ्री स्पीच। जो सिमिलर लॉ था पहले इसी टाइप का, उसको रिपील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में, और साथ साथ सेक्शन 66A जो था आईटी एक्ट का और सेक्शन 118D ऑफ केरला पुलिस एक्ट का, क्योंकि वो खतरा था फ्री स्पीच के लिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उसको रिपील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में। देयरफॉर दिस न्यू लॉ हैज बीन brought to fill the gap left by the repealing of the two law which leave current law inadequate to prevent crime online which have caused considerable distress to women in our society and cyber attack that are turning into a threat to privacy. इसी कारण क्या था, न्यू लॉ को लाया गया ताकि वो जो गैप क्रिएट हो गया था, वो जो दो एक्ट लॉ को रिपील कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेक्शन 66A और आईटी एक्ट का और सेक्शन 118D ऑफ केरला कोर्ट का, तो केरला पुलिस एक्ट का, तो इस कारण क्या था, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, तो उसको फिल करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने इसको लाया है ऑर्डिनेंस रूट के माध्यम से। तो करंट लॉ क्या करेगा कि जो पुराना लॉ था वो इनएडिकेट था, रोक नहीं पा रहा था जो ऑनलाइन क्राइम हो रहा था जिसके कारण डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ा था वुमेन को सोसाइटी पे, और जो साइबर अटैक जो था जो कि एक खतरा बन गया था प्राइवेसी को, तो उसको रोकने के लिए इसको लाया गया है। रीजन फॉर क्रिटिसिज्म, ये जो लॉ लाया गया तो उसका क्या रीजन इसको क्रिटिसाइज करने का। एक्सपर्ट हैव कॉल्ड दिस लॉ इज अ ड्रेकोनियन बिकॉज, जो एक्सपर्ट है उन्होंने इस लॉ को ड्रेकोनियन बोला है, क्यों, तो उसका कुछ रीजन दिया एक्सपर्ट ने। इट इज बीइंग सीन एज एन अटेम्प्ट टू स्टिपल नॉट ओनली डिसेंट बट ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो है देखा जा रहा है कि ये जो एक अटेम्प्ट है ये सिर्फ उसके डिसेंट के खिलाफ नहीं बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भी खिलाफ है। दिस लॉ इज unspecific and indistinct and can be indiscriminately misused by individual or even the government and the police who may use it against those whom they simply disagree with. ये जो law है वो unspecific है, indistinct है और indiscriminately misuse किया जा सकता है individual के द्वारा और even government और police organization के द्वारा भी, जो कि चाहते हो वो simply disagree करते हो उस बात से तो वो इसका misuse कर सकते हैं। It has resurrected the same legal vices that Supreme Court had threatened by scrapping Section 66A of the IT Act. ये जो है वो फिर से वही सेम लीगल वाइसेज ला दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, थ्रेश में कर डाल दिया था स्क्रैप करके सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को,
Though the Kerala government claim it to fight cyber crime against women, that has not found any mention in the law either. कि केरला गवर्नमेंट जो वो क्लेम कर रहा है कि वो फाइट करेगा जो साइबर क्राइम हो रहा है अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ, लेकिन इस लॉ पे कहीं भी इस बात के बारे में मेंशन नहीं है वो किस तरीके से फाइट करेगा, क्या प्रावधान है इसके लेके. इट्स रेस्ट्रिक्ट स्पीच विदाउट एनी डोमेन लिमिटेशन, इट्स रेस्ट्रिक्ट आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन एन इफेक्टिव वे एंड इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2. ये जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है स्पीच को बिना कोई डोमेन लिमिटेशन के. ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आर्टिकल 19 को भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि एक एक्टिव वे था, और यहाँ पे कहीं भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को भी. इट विल इफेक्टिवली बी अ डीडीओएस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक ऑन द पुलिस फंक्शनिंग ऑन द स्टेट एज वेल एज ऑन द पुलिस. देयर विल बी अ ह्यूज रश ऑफ एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इश्यू बिटवीन पीपल. और ये इफेक्टिवली क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है पुलिस फंक्शनिंग को लेकर स्टेट पे और साथ साथ पुलिस को लेकर, और ह्यूज रश हो जाएगा एफआईआर जो कि फाइल किया जाएगा इश्यू को लेकर पीपल के खिलाफ. इट गिव पावर टू द पुलिस टू फाइल शुओ मोटो केस अगेंस्ट एनीवन. और ये पावर दे देता है पुलिस को कि वो खुद से भी केस रजिस्टर कर सकता है किसी के भी खिलाफ. तो ये जो लॉ लाया गया है तो इस कारण इसको क्रिटिसाइज किया गया है. कोई भी लॉ अगर आता है तो उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट होता है. तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो बोला गया कर्व करने के लिए, अगर इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए तो कर्व करने में कुछ हद तक ये मदद करेगा, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को कम कर दे रहा है. नेगेटिव एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में मिसयूज किस तरीके से किया गया पुलिस पावर का, उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी अगर मिसयूज किया जाता है पावर का तो फिर क्या होगा कि सोशल मीडिया में जो क्रिएट करा पोस्ट उसके लिए भी प्रॉब्लम है, और अगर कोई शेयर कर रहा है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. तो इसके लिए एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ताकि प्रॉपरली टैकल किया जाए इस काइंड ऑफ इश्यू को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट द अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड मैगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे. फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट को हम अरुणाचल प्रोजेक्ट फ्रंटियर हाईवे या मैगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे भी कहते हैं, यानी इसका अदर नेम ये हो गया अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और मैगो थिंगबू विजयनगर बॉर्डर हाईवे. द 2000 किलोमीटर लॉन्ग रोड फॉलो द मैकमोहन लाइन. ये जो 2000 किलोमीटर का लंबा रोड है वो फॉलो करता है मैकमोहन लाइन को. इट एकम्पनी द ट्रांस अरुणाचल हाईवे थ्रू द मिडल एंड अरुणाचल इट्स वेस्ट कॉरिडोर इन द फुटहिल अलोंग द असम बॉर्डर एज मेजर हाईवे स्पेनिंग अरुणाचल प्रदेश परसुइंग द लुक ईस्ट कनेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. ये जो है वो एकम्पनी करता है ट्रांस अरुणाचल हाईवे को मिडिल से, अरुणाचल ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को फुटहिल से असम बॉर्डर के, और जो मेजर हाईवे जो कि फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश में और परस्यू कर रहा है जो लुक ईस्ट कनेक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का उसको सपोर्ट कर रहा है. द हाईवे विल इंटरसेक्ट विद द प्रपोज ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे इन द फुटहिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम भैरवकुंड द ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान असम एंड अरुणाचल प्रदेश टू रक्सिन इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. और ये जो हाईवे है वो इंटरसेक्ट करता है प्रपोज ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे को, कहाँ पे, तो फुटहिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में फ्रॉम भैरवकुंड जो कि ट्राई जंक्शन है भूटान असम एंड अरुणाचल प्रदेश का. तो पूछ सकता है कि ट्राई जंक्शन जो है भूटान असम एंड अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, और रुस्किन इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पे. द हाईवे विल क्रॉस द दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइट में रेज इन्वायरमेंटल इश्यू. ये जो हाईवे है वो क्रॉस कर रहा है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, जो कि एक इन्वायरमेंटल इश्यू रेज कर रहा है. अब पूछ सकता है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे है, न्यूज में क्यों आया. सिन द लद्दाख स्टैंड ऑफ बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज आर्मी इन मई, अरुणाचल प्रदेश हैज बीन पुशिंग फॉर द एम्बिशियस फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट अलोंग द इंडियन तिब्बत बॉर्डर फॉर फैसिलिटेटिंग फास्टर मूवमेंट ऑफ ट्रूप इफ अ वार लाइक सिचुएशन अराइजेज. जो लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ था इंडियन एंड चाइनीज आर्मी के बीच में मई पे, अरुणाचल प्रदेश जो है वो पुश कर रहा है एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए जो हाईवे का है, ताकि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे, ताकि अगर जरूरत पड़ जाए ऐसा सिचुएशन वार टाइप क्रिएट हो जाए तो आसानी से ट्रूप का मूवमेंट किया जा सके. इस कारण इस प्रोजेक्ट को पुश किया जा रहा है. जरूरत क्यों पड़ा, तो द हाईवे विल जनरेट इंप्लॉयमेंट एंड इंक्रीज टूरिज्म इन द हार्ट टूरिस्ट एरिया. ये जो हाईवे है वो जनरेट करेगा इंप्लॉयमेंट को भी, साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा. जो हार्ट टूरिस्ट एरिया अभी पॉसिबल हाईवे नहीं होने के कारण क्या है कि टूरिस्ट सेक्टर वहाँ पर उतना डेवलप नहीं कर पाया. जब प्रॉपर फैसिलिटेशन हो जाएगा, आराम से मूवमेंट हो सकेगा, कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो आसानी से कोई भी वहाँ जा सकेंगे, तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा, जिससे क्या होगा अर्निंग का एक स्रोत खुलेगा. The highway will check Chinese incursion into Indian territory. China has built an extensive road and railway network on its side, posing a security risk to India as the region is relatively inaccessible to the Indian side. जो highway है वो check करेगा Chinese incursion को Indian territory पे, साथ साथ जो China built करा एक extensive road और railway network अपने side में, जो कि एक security का खतरा है India के लिए उस region पे, उसको भी क्या करेगा relatively inaccessible जो है Indian side से, तो उसको भी tackle करने में बहुत हद तक मदद करेगा. कि अगर उस side से कोई action लिया जा रहा है तो आपका भी अगर कनेक्टिविटी माध्यम है तो आप तुरंत ट्रूप्स को डिप्लॉय कर लोगे वहां पे.
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेघालय ग्लोइंग मशरूम। तो मेघालय में ग्लोइंग मशरूम पाया गया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। मशरूम डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है डिस्कवर ए बायोल्यूमिनेसेंट और लाइट इमिटिंग वैरायटी ऑफ मशरूम। जो एक मशरूम डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट था फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वहां पर डिस्कवर किया गया है एक बायोल्यूमिनेसेंट और लाइट इमिटिंग वैरायटी ऑफ मशरूम को। तो बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है? बायो मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंट मतलब लाइट इमिटिंग, यानी कि जो नेचुरली लाइट को इमिट करे वैसा, ठीक है। तो ऐसा वैरायटी ऑफ मशरूम पाया गया है आपके मेघालय से, उसका नाम है रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेथिसाइटिस। तो हम जानेंगे रोरिडोमाइसिस फाइलोस्टेथिसाइटिस के बारे में। ये जो न्यू स्पीसीज है उसको पहली बार साइट किया गया है न्यू स्ट्रीम इन मेघालय मैलून इस खासी हिल डिस्ट्रिक्ट पे और लेटर करांग सूरी इन वेस्ट डेंसिया हिल डिस्ट्रिक्ट पे। इसको कहाँ पर साइट किया गया है? तो मेघालय मैलिन नोंग इन इस खासी डिस्ट्रिक्ट और बाद में करंग सूरी इन वेस्ट जेंटिया हिल डिस्ट्रिक्ट पे। ये जो है वन ऑफ द अमंग 97 नॉन स्पीसीज है बायोल्यूमिनेसेंट फंगी का वल पे, ठीक है। तो मशरूम जो है आपका वो फंगी में आता है, बायोल्यूमिनेसेंट इन फंगी। तो अब हम बायोल्यूमिनेसेंट जो लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी है फंगी का, हम उसके बारे में जान ले। बायोल्यूमिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एंड इमिट लाइट। बायोल्यूमिनेशन जो है वो प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि वो प्रोड्यूस करे और इमिट करे लाइट को। बायोल्यूमिनेशेंट ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली फाउंड इन ओशियन एनवायरनमेंट बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन टेरिस्टेरियल एनवायरनमेंट। जो बायोल्यूमिनेशेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जनरली क्या होता है, ओशियन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है टेरिस्टेरियल एनवायरनमेंट में भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ओशियन में ही पाए जाएंगे। द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड बाई द ऑर्गेनिज डिपेंड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। और जो बायो ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी जो है, तो जो कलर जो है लाइट जो कि वो इमिट करेगा ऑर्गेनिज, वो डिपेंड करेगा उसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। मतलब जिस टाइप का केमिकल कंपाउंड होगा उस टाइप का उससे लाइट ओरिजिनेट होगा, इमिट होगा। इन द केस ऑफ फंगी द ल्यूमिनेसेंट कम फ्रॉम द एंजाइम ल्यूक्रिफेरेज। और फंगी के केस में क्या होता है, जो लाइट इमिट होता है वो एंजाइम ल्यूक्रिफेरेज के कारण होता है। द ग्रीन लाइट इमिट वन ल्यूसिफेरेज इज कैटेलाइज बाई द एंजाइम ल्यूसिफेरेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्रीन लाइट इमिट करता है जब ल्यूसिफेरेज जो कि कैटेलाइज हो जाता है एंजाइम ल्यूसिफेरेज के कारण प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे। यानी जो ल्यूसिफेरेज एंजाइम है कैटेलाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस होने के कारण, इस कारण ग्रीन लाइट इमिट करता है वो मशरूम जो कि आपका फंगी में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आप ये देख सकते हो उसका पिक बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम का जो कि आपका वहां पर पाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज सिटमैक्स 20। तो कोई भी अगर एक्सरसाइज है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है कि किस कंट्री पे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, फिर उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो एक्सरसाइज सिटमैक्स 20 द सेकंड एडिशन ऑफ द इंडिया थाईलैंड एंड सिंगापुर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज सिटमैक्स 20 हैज कंक्लूडेड इन द अंडमान सी। तो जो सेकंड एडिशन था इंडिया थाईलैंड और सिंगापुर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज सिटमैक्स 20, वो भी हाल ही में कंडक्ट किया गया अंडमान सी पे। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं एक्सरसाइज सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, और मैक्स लिखा हुआ तो मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी मैरीटाइम यानी नेवल एक्सरसाइज हो गया। सिटमैक्स एक्सरसाइज आप आसानी से याद कर सकते हो, सिटमैक्स के बीच में सिंगापुर इंडिया थाईलैंड और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है यानी नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ है 2020 का ये एक्सरसाइज? तो अंडमान सी पे। सिटमैक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज आर कंडक्टेड टू इनहेंस म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी एंड इम्बाइबिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन इंडिया रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। ये जो सिटमैक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया गया है ताकि इनहेंस किया जाए म्यूचुअल इंटरऑपरेबिलिटी को और इम्बाइब किया जाए बेस्ट प्रैक्टिसेस को, किसके बीच में? इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एंड रॉयल थाई नेवी के बीच में। जो पहला एडिशन था सिस्मैक का जो कि होस्ट किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा, वो कहाँ पे हुआ था? तो पोर्ट ब्लेयर पे सितंबर 2019 पे। ये सेकंड एडिशन है, तो फर्स्ट एडिशन अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पे हुआ था तो 2019 पे हुआ था, और होस्ट कौन किया था? तो इंडियन नेवी किया था। अब 2020 एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज इज बीइंग होस्ट बाय RSN रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 का जो एडिशन है सिटमैक एक्सरसाइज का वो कौन होस्ट कर रहा है, तो रॉयल सिंगापुर नेवी। कहाँ पे हो रहा है? अंडमान सी पे हो रहा है। कौन कौन सी कंट्री है? तो इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर। कैसा एक्सरसाइज है? तो ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। ये जो मैरीटाइम ड्रिल है वो विटनेस करेगा वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज इंक्लूडिंग नेवल मैन्यूवर, सरफेस वारफेयर एक्सरसाइज एंड वीपन फायरिंग। तो ये जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे एक्सरसाइज होंगे जैसे कि नेवल मैन्यूवर, सरफेस वारफेयर एक्सरसाइज और वीपन फायरिंग भी होंगे। बिसाइड इंप्रूविंग इंटर ऑपरेबिलिटी सिटमैक्स सीरीज ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो एम टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड डेवलप कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसीड्यूर टुवर्ड इनहेंसिंग द ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द रीजन।
तो ये सिर्फ इंटरऑपरेबिलिटी को ही नहीं इंप्रूव करेगा, सितमैक जो है वो मदद करेगा स्ट्रेंथन करने में म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को, डेवलप करेगा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, और प्रोड्यूस करेगा कि हम इन्हेंस करें जो ओवरऑल मैरीटाइम सिक्योरिटी है इस रीजन पे, क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक अलग ही इंपॉर्टेंस होगी। आप देख रहे हैं जिस हिसाब से चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, ठीक है, कि वो किस तरीके से नीचे पोर्ट पे पोर्ट क्रिएट करते जा रहा है, उस हिसाब से हमको अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है सबके साथ अलग अलग एक्सरसाइज करके और सबके साथ बायलेटरल रिलेशन मजबूत करना होगा, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हम भी उसको टैकल करने के लिए पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर रहे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन बोंडा ट्राइब। तो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन हुआ है बोंडा ट्राइब में, हम उसके बारे में जानेंगे। ओडिशा बोंडाज अ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एंड नोन फॉर देयर सेक्लूडेड लाइफ्स अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। जो ओडिशा के बोंडा ट्राइब है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, और उनको हम जानते हैं उनके जो सेक्लूडेड लाइफ है जो कि काफी अलग है मेन स्ट्रीम लाइफ से। द इंडेंजर बोंडा ट्राइब आर क्लासिफाइड एज वन ऑफ द इंडियाज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये जो इंडेंजर बोंडा ट्राइब है उसको क्लासिफाई किया गया कि वन ऑफ द इंडिया पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। तो पूछ सकता है कि बोंडा ट्राइब किस ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, और ये इंडेंजर कैटेगरी में, और कहां के, तो ओडिशा। दे आर नोन फॉर दियर डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेडिशन। द बोंडा डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। ये जो है बोंडा ट्राइब वो जाने जाते हैं अपने डिस्टिंक्टिव कल्चरल ट्रेडिशन के लिए, और इनको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप में, लोअर बोंडाज एंड अपर बोंडाज। लोअर बोंडाज हु लिव इन साउथ ओडिशा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जो लोअर बोंडा ट्राइब्स है वो रहते हैं साउथ ओडिशा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर करता है आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ को, वहां पे मिलते हैं। अपर बोंडाज हु लिव इन द हिली टेरेन ऑफ द रिमोट विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो अपर बोंडाज होते हैं वो रहते हैं हिली टेरेन में, रिमोट विलेज में डिस्ट्रिक्ट के। तो अब आपको पता चल गया इनका लोकेशन भी, लोअर बोंडाज और अपर बोंडाज का। तो लोअर बोंडाज जो है वो साउथ ओडिशा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि बॉर्डर करता है आंध्र प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ के, वहां पे मिलते हैं। और अपर बोंडाज जो कि रहता है हिली टेरेन में, रिमोट विलेज के उसी डिस्ट्रिक्ट पे। According to 2011 census, there are 12,231 Bondas and they speak Remo, one of the Mundari group of language spoken by Munda people in India. और जो 2011 का census है उसके अनुसार 12,231 Bondas है, और वो speak करते हैं Remo भाषा को, जो कि एक Mundari group of language है, जो कि बोला जाता है ज्यादातर Munda peoples के द्वारा इंडिया पे। In recent time, they are being forced to leave their pristine hamlet for low-paid job in distant town of Andhra Pradesh, Telangana and state even further. अभी हाल फिलहाल के समय पे क्या हुआ कि उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो लीव करें अपने pristine hamlet of जॉब को, लो पे जॉब के लिए अलग अलग टाउन में जाए, आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट जो कि काफी दूर है। द कोरोना वायरस कोविड 19 पेंडेमिक अपीयर टू हैव क्विकेंड द डिस्ट्रेस माइग्रेशन। और जो कोविड 19 का पेंडेमिक है उसके कारण क्या हुआ, वो और ज्यादा बढ़ा दिया ये डिस्ट्रेस माइग्रेशन को, क्योंकि प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम का समाधान क्या है कि कहीं जाके वो माइग्रेट करेंगे, कुछ अर्न करेंगे, तब लाइवलीहुड का मिल पाएगा उनको, क्योंकि वहां रहने से तो लाइवलीहुड चलना नहीं है। The disturbing trend of distress migration has also cut off the Bonda students who were studying in residential school before COVID-19 pandemic. और जो disturbing trend जो कि distressing migration का जो कि Bonda student में देखा गया है, क्या हुआ है, तो जो residential school में COVID-19 pandemic के समय study करे तो उसमें भी effect पड़ा है। If migration is taken as the single largest indicator to assess the livelihood status of a community, it is seen that the incidence of migration has increased over the years among the Bonda household. और अगर हम देखें कि migration एक single largest indicator है assess करने का livelihood status किसी भी community का, तो ये इंसिडेंट पाया जाता है माइग्रेशन का कि वो सबसे ज्यादा देखा गया बोंडा हाउसहोल्ड पे। ड्यूरिंग द लास्ट फोर इयर्स देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द ट्रेंड ऑफ माइग्रेशन व्हिच इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट द इनकम अपॉर्चुनिटी इन द एरिया आर नॉट एडिक्वेट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द बोंडाज। और लास्ट फोर ईयर को अगर हम कंसिडर करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है ट्रेंड में माइग्रेशन का, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो इनकम अपॉर्चुनिटी है इस एरिया पे वो एडिक्वेट नहीं है, उनको इनफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है बोंडाज को, जिस कारण उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है दूसरे एरिया पे ताकि वो अर्न कर सके, लाइवलीहुड कमा सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट। तो जो आपका एवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट है, तो हम इसके बारे में जानेंगे कौन रिलीज करता है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अगर आता है तो उससे रिलेटेड फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि वो रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड यूनिसेफ हैज रिलीज द रिपोर्ट एवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड यूनिसेफ ने रिलीज किया रिपोर्ट एवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन। तो एवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट यूनिसेफ ने निकाला है। इट इज द फर्स्ट यूनिसेफ रिपोर्ट टू कम्प्रिहेंसिवली आउटलाइन द डायर एंड ग्रोइंग कंसिक्वेंसेज फॉर चिल्ड्रेन एट द पेंडेमिक गोज ऑन। ये पहला यूनिसेफ का रिपोर्ट है जो कि कम्प्रिहेंसिवली आउटलाइन कर रहा है जो जरूरत था, ग्रोइंग कंसिक्वेंस पड़ा था पेंडेमिक का चिल्ड्रेन के ऊपर, उसके बारे में बता रहा है।
It showed that while the symptoms among infected children remain mild, infection are rising and the longer term impact on the education, nutrition and well-being of an entire generation of children and young people can be life altering. ये बता रहा है कि जो symptoms है infected children का वो काफी mild है, लेकिन जो infection बढ़ रहा है और जो longer term इसका impact है, जैसे कि education पे impact पड़ रहा है, nutrition पे impact पड़ रहा है और well-being में impact पड़ रहा है entire generation of children का, young people का, ये एक life altering होगा. कि देखिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है चिल्ड्रेन के लिए, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, मिड डे मील स्कीम के तहत फूड प्रोवाइड करना. तो कोविड 19 पैंडेमिक के कारण क्या है, स्कूल बंद है, मिड डे मील नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जिस कारण क्या होगा, उसका न्यूट्रिशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन पे इंपैक्ट पड़ना है, क्योंकि एजुकेशन जो है आपका स्कूल पर उनको बंद होने के कारण नहीं मिल रहा है. अब सारे के पास पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि वो नेट का माध्यम यूज करके आराम से एजुकेशन गेन कर ले, और ना ही इतना एडवांस अभी सब हो चुके हैं कि वो ट्रंटली ग्रैप कर सके उस अपॉर्चुनिटी को. तो इस कारण उसका जो क्या होगा, जो हम लोगों ने प्रोग्रेस किया था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट था कि हमको वो अचीव करना है, तो उसमें काफी बदलाव आ जाएगा, लाइफ अल्टरिंग हो जाएगा कोविड 19 पैंडेमिक के कारण. ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया है जिसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा यंग चिल्ड्रन पे. द रिपोर्ट हाईलाइट आर एज फॉलो. और ये जो रिपोर्ट है एवल्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन, उसका कुछ हाईलाइट हम देख ले. चिल्ड्रेन एंड एडोलेसेंट अकाउंट फॉर 1 in 9 रिपोर्टेड कोविड 19 इन्फेक्शन. तो चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट है वो 1 in 9 रिपोर्टेड कोविड 19 इन्फेक्शन के केस में. इट इज एस्टिमेटेड दैट अ थर्ड ऑफ द कंट्री एनालाइज विटनेस अ ड्रॉप ऑफ एटलीस्ट 10% इन कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विस एंड देयर वाज अ 40% डिक्लाइन इन कवरेज ऑफ न्यूट्रिशन सर्विस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन अक्रॉस 135 कंट्री. ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अ थर्ड ऑफ द कंट्री जिसको कि एनालाइज किया गया है उसमें ड्रॉप हुआ है एटलीस्ट 10% कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, और देयर वर 40% डिक्लाइन हुआ कवरेज में न्यूट्रिशन सर्विस का वुमेन एंड चिल्ड्रेन का अक्रॉस 135 कंट्री पे. तो ये जेन्युइन सी बात है, डिक्लाइन होना ही है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे हेल्थ स्टाफ है वो बिजी है कोविड 19 पेशेंट को डील करने के लिए और अलग अलग केसेस को लेके, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव क्या है, जो फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत वो कोशिश करे कि सबको फूड प्रोवाइड करे, मेडिसिन में फर्स्ट रिसर्च में पैसे लगाए, तो बहुत सारा है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ना ही है. 65 कंट्रीज रिपोर्टेड अ डिक्रीज इन होम विजिट बाय सोशल वर्कर इन सितंबर 2020 कंपेयर टू 2019. और 65 कंट्रीज में रिपोर्ट किया गया कि डिक्रीज हुआ होम विजिट में सोशल वर्कर का सितंबर 2020 पे, अगर हम कंपेयर करें 2019 से. तो अकॉर्डिंग टू ICMR 11.89% ऑफ कोविड 19 केसेज इन इंडिया आर अंडर 20. और ICMR का अगर माने तो 11.89% जो कोविड 19 केसेज है इंडिया पे वो अंडर 20 है. 1.5 मिलियन स्कूल क्लोजर हैव इंपैक्टेड 247 मिलियन चिल्ड्रेन इनरोल्ड इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एंड 28 मिलियन चिल्ड्रेन हु आर अटेंडिंग प्री स्कूल एजुकेशन इन आंगनवाड़ी सेंटर. जो 1.5 मिलियन स्कूल बंद हुआ है कोविड 19 पैंडेमिक के कारण, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है, तो जो 247 मिलियन चिल्ड्रेन जो कि इनरोल थे एलिमेंट्री व सेकेंडरी एजुकेशन पे, और 28 मिलियन चिल्ड्रेन अप्रॉक्स जो कि अटेंड कर रहे थे प्री स्कूल एजुकेशन आंगनवाड़ी सेंटर पे, उस पर इसका इंपैक्ट पड़ा है डायरेक्टली. An estimated 20 million children under 5 years of age are suffering from wasting, low weight or height. Over 40 million children are chronically malnourished and more than half of the Indian women aged 15 to 49 years are anemic. एक estimated लिया गया है जिसमें 20 million children जो है under 5 के age के वो suffer कर रहे हैं wasting से. Wasting आपका होता क्या है, तो low weight होता है आपका height के comparison पे. ओवर 40 मिलियन चिल्ड्रेन जो है वो क्रॉनिकली माल न्यूरिस्ट है, और मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन जो इसका एज 15 टू 49 ईयर के बीच में है वो एनीमिक है. ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सिचुएशन अगर ये लंबे समय तक कंटिन्यू करता है. तो द पेंडेमिक हैज फर्दर एक्सपोज्ड द फ्रेजिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन लेस बाय द वायरस इटसेल्फ बट मच मोर बाय द इनडायरेक्ट एंड लॉन्ग टर्म फॉलआउट. जो पेंडेमिक है उसका एक्सपोजर जो है फ्रेजिलिटी ऑफ चिल्ड्रेन पर कम है वायरस का, लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है और लॉन्ग टर्म फॉलआउट पड़ने वाला वो काफी ज्यादा होगा, काफी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है. कोविड 19 पोजेज अ ग्रेव थ्रेट टू द ग्रेन्स मेड बाय इंडिया इन द नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट विच शो इम्प्रूवमेंट इन रिसेंट ईयर. और कोविड 19 के कारण एक क्या बोलते हैं खतरा बना हुआ है, जो इंडिया ने प्रोग्रेस किया था नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट पे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को जो इंडिया ने काफी कम कर लिया था, इम्प्रूवमेंट जो इंडिया ने शो किया था रिसेंट ईयर पे, तो उसको वो बदल सकता है कोविड 19 के कारण, क्योंकि अब मेडिकल सर्विस टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट पर भी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर भी. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डुरन लाइन. तो डुरन लाइन के बारे में हम जानेंगे, ये लाइन किस कंट्रीज के बीच में है, फिर है क्यों, कब खींचा गया था, उसके बाद क्यों न्यूज में आया. द डुरन लाइन इन इंपॉर्टेंट 2430 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन रनिंग बिटवीन कंट्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. तो जो डुरन लाइन है वो एक इंपॉर्टेंट लाइन है 2430 किलोमीटर का इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, जो कि रन करता है कंट्री ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में.
It was fixed by British civil servant Sir Henry Mortimer Turan and then Afghan Emir Abdur Rahman Khan in 1893. जो टूरन लाइन था उसको फिक्स किया गया था किसके द्वारा, तो जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे सर हेनरी मॉर्टिमर टूरन और अफगान एमिर अब्दुल रहमान खान के द्वारा कब किया गया था टूरन लाइन, तो 1893 में, किस कंट्री के बीच में, तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, 2430 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है। ये जो ट्रीटी था वो 100 इयर्स के लिए था लेकिन इसको क्या किया, रिन्यू नहीं किया गया। इट वाज एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू फिक्स द रेस्पेक्टिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड आल्सो टू इंप्रूव द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया एंड अफगान किंगडम। इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि फिक्स किया जाए जो रेस्पेक्टिव स्फीयर था इन्फ्लुएंस का और इम्प्रूव करने के लिए जो डिप्लोमेटिक टाई था ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया और अफगान किंगडम के बीच में, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये लाइन को खींचा गया था क्योंकि ये लाइन 1893 पर ड्रॉ किया गया था। तो उस समय इंडिया जो था वो ब्रिटिश का ही कॉलोनी था, तो इसी कारण किया गया था कि ताकि ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट और जो अफगान किंगडम है उनके बीच में एक रेस्पेक्टिव स्फीयर होना चाहिए जहाँ पर डिप्लोमेटिक टाई का एक्सचेंज हो सके। It was accepted as the then Indo-Afghan border. The modern state of Afghanistan did not accept the Durand line. इसको accept किया गया था Indo-Afghan border के तौर पर, जो modern state है अफगानिस्तान का वो नहीं accept करता है Durand line को। However, it is internationally recognized as the western border of Pakistan. लेकिन ये जो है internationally recognized है कि ये western border है पाकिस्तान का आपका जो Durand line है। The Pakistan side of the border include among others northwest frontier province which was renamed Khyber Pakhtunkhwa in 2010. और जो पाकिस्तान side है border का जो कि इंक्लूड करता है अदर और साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को, जिसका नाम बदल के खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया था 2010 में। इंडिया आल्सो हैज ए स्मॉल क्लेम टू द बॉर्डर लाइन थ्रू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अबाउट 105 किलोमीटर ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द बाउंड्री लाइन। इंडिया का भी कुछ क्लेम है बॉर्डर लाइन पे जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है अबाउट 105 किलोमीटर का ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन पे इस बाउंड्री के। रिसेंटली इंडिया हैज टोल्ड यूएनएससी दैट इट कॉल फॉर एन इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव सीजफायर इन अफगानिस्तान व्हाइल वेलकमिंग ऑल अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग पीस इन द कंट्री। इंडिया ने रिसेंटली यूएनएससी पे बोला है कि इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए अफगानिस्तान पे, और साथ साथ इंडिया वेलकम करता है जितने भी सारे अपॉर्चुनिटी है जो कि पीस लाएंगे अफगानिस्तान में, तो उसका इंडिया स्वागत कर रहा है, लेकिन इमीडिएट कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होना चाहिए अफगानिस्तान। इंडिया स्पेकुलेट दैट देयर आर वेरियस टेररिस्ट सेफ हेवन एंड सेंचुरीज ऑपरेशन अक्रॉस द टूरन लाइन, और इंडिया का कहना है कि बहुत सारा वेरियस टेररिस्ट सेफ हेवन और सेंचुरीज है जो कि ऑपरेट करते हैं अक्रॉस टूरन लाइन, तो उसको देखने की जरूरत है और उसे डील करने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड के बारे में हम जानेंगे। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड। इट ऑनर एन इंडिविजुअल एंड और एन इंस्टीट्यूशन इन रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्वेश्चन एंड टू देयर सॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जो है वो एक एनुअल अवार्ड है जो कि ऑनर करता है इंडिविजुअल व किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज करता है जो उसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन को लेकर और जो उसका सॉल्यूशन सजेस्ट किया उसके लिए यह अवार्ड दिया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए गोल्ड मेडल अ डिप्लोमा एंड अ मॉनेटरी प्राइज। ये जो है कंसिस्ट करता है एक गोल्ड मेडल एक डिप्लोमा और साथ साथ एक मॉनेटरी प्राइज। द अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय जनरल असेंबली इन 1981 इन रेजोल्यूशन 36/201 एंड वाज प्रेजेंटेड इन 1983। ये जो अवार्ड था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इसको एस्टैब्लिश किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा 1981 में एक रेजोल्यूशन लाके 36/201 और इसको पहली बार प्रेजेंट किया गया था 1983 पे। द कमिटी फॉर द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इज कंप्राइज ऑफ 10 UN member state with United Nations Secretary General and UNFPA Executive Director serving as ex officio member. जो कमिटी है United Nations Population Award का वो comprise करता है 10 UN member state को जिसमें United Nations Secretary General और UNFPA के Executive Director जो है वो serve करते हैं ex officio member के तौर पे। Nomination for the award are accepted through 31st December of each year. और जो nomination होता है इस award के लिए उसको accept किया जाता है through 31st December तक each year. रिसेंटली भूटान क्वीन मदर गैलम सेंगके कोएटेन वेंगचुक हैड बीन अवार्डेड द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंडिविजुअल कैटेगरी फॉर 2024 हर वर्क ऑन सेक्सुअल हेल्थ एंड एंडिंग जेंडर वायलेंस। और अभी हाल ही में भूटान की जो क्वीन है मदर गैलम सेंगकी कोएटेन वेंगचुक उनको अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी पे 2020 के लिए। तो उनका वर्क था सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर और एंड करने के लिए जेंडर वायलेंस, इसके कारण उनको दिया गया है। शी फाउंडेड अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रेस्पेक्ट एजुकेट नर्चर एंड एम्पावर वुमेन। जो उन्होंने क्या किया फाउंड किया एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है रिन्यू रेस्पेक्ट एजुकेट नर्चर एंड एम्पावर वुमेन।
द अवॉर्डी इन द ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी इज हेल्प एज इंडिया दैट वर्क इन एल्डर केयर। और जो अवॉर्डी है ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी पे वो है हेल्प एज इंडिया जो कि वर्क कर रहा है एल्डर केयर के लिए। इंडिविजुअल कैटेगरी में किसको मिला ये अवार्ड, तो भूटान क्वीन मदर गैलेम शेंके कडेन वेंगचुक को। और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी पे हम बात करें तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी पे तो हेल्प एज इंडिया को मिला है, किस लिए, तो एल्डर केयर के लिए। ओनली टू इंडियंस हैव बीन अवार्डेड इन द पास्ट फोर डिकेड्स सिंस द अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड दे आर। जो सिर्फ अभी तक दो ही इंडियन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है पास्ट फोर डिकेड में, और वो दो इंडियन कौन है, तो पहला आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 1983 पे और इंडस्ट्रियलिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट जेआरडी टाटा को 1992 पे। तो जो वो दो है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, तो उसमें से एक है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनको 1983 पे दिया गया था, और दूसरे है इंडस्ट्रियलिस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट जेआरडी टाटा को 1992 पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन निवार, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, तो हम इसमें जानेंगे साइक्लोन निवार के बारे में, उसके बाद फिर साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है ये सब फैक्ट कंसीडर करेंगे। अ डेवलपिंग साइक्लोन डिस्टर्बेंस इन द बे ऑफ बंगाल इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड मेक लैंडफॉल इन तमिलनाडु। जो डेवलपिंग साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हुआ है बे ऑफ बंगाल में, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और लैंडफॉल करेगा तमिलनाडु के एरिया पे। साइक्लोनिक निवार, the IMD has forecasted the development of a cyclone in the southwest region of Bay of Bengal of the Tamil Nadu coast. जो IMD है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने फोरकास्ट किया कि डेवलप करेगा साइक्लोन साउथ वेस्ट रीजन में बे ऑफ बंगाल के ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट के पास। इट हैज सेड दैट इट विल स्ट्रेंथेड इनटू अ साइक्लोन वंस इंटेंसिफाइड इट विल एक्वायर इट नेम निवार प्रपोज बाय ईरान। उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेंथन होकर साइक्लोन बन जाएगा, और एक बार जब वो इंटेंसिफाई हो जाएगा तो एक्वायर करेगा नेम निवार जो कि प्रपोज किया गया है ईरान के द्वारा। ये जो नाम है ईरान ने प्रपोज किया है निवार। अब तक साइक्लोन गाजा इन 2018, दिस विल बी द सेकेंड साइक्लोन टू क्रॉस तमिलनाडु इन द लास्ट टू ईयर। साइक्लोन गाजा जो कि 2018 में आया था, उसके बाद ये दूसरा साइक्लोन होगा निवार जो कि क्रॉस करेगा तमिलनाडु को लास्ट टू ईयर में। ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो अब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जान लें। अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशियन एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई विंड एंड हैवी रेन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं कि इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होता है जो कि ओरिजिनेट करता है कहाँ पे, तो वार्म ट्रॉपिकल ओशियन पे, और कैरेक्टराइज किया गया है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई विंड और हैवी रेन। साइक्लोन आर फॉर्म ओवर स्लाइटली वार्म ओशियन वाटर, द टेम्परेचर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सी सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 60 मीटर नीड टू बी एटलीस्ट 28 डिग्री सेल्सियस टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। और जो साइक्लोन है वो बनता है स्लाइटली वार्म ओशियन वाटर पे, जो टेम्परेचर है टॉप लेयर का सी का अप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 60 मीटर तक, वो कम से कम 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ताकि वो सपोर्ट करे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन को। दिस एक्सप्लेन व्हाई द अप्रैल मई एंड अक्टूबर दिसंबर पीरियड आर कंड्यूसिव फॉर साइक्लोन। ये एक्सप्लेन करता है क्यों अप्रैल से मई और अक्टूबर दिसंबर पीरियड कंड्यूसिव है साइक्लोन के बनने के लिए। देन द लो लेवल ऑफ एयर अबव द वाटर नीड टू हैव एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। तो उसका जो लो लेवल होता है एयर का अबव द वाटर का, वो क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है नॉर्थन हेमिस्फेयर पे और क्लॉकवाइज रोटेट करता है साउथर्न हेमिस्फेयर पे। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज एन ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन द बे ऑफ बंगाल व्हिच साउथर्न बाउंड्री एक्सपीरियंस विंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट व्हाइल नॉर्थन बाउंड्री हैज विंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और इस पीरियड में क्या होता है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो कि बे ऑफ बंगाल के पास होता है, जो कि साउथर्न बाउंड्री होता है, वो एक्सपीरियंस करता है विंड को कहां से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जबकि जो नॉर्थन बाउंड्री होगा ऊपर की तरफ, वो एक्सपीरियंस करेगा विंड वो फ्लो करेगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। Once formed, cyclone in this area usually move northward as it travel over the sea. The cyclone gather more moist air from the warm sea, which add to its heft and made it more heavy. जो एक बार जब साइक्लोन बन जाता है तो वो क्या होता है, यूजुअली नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करता है, और ये जो है ट्रेवल कर रहा है सी से लैंड की तरफ, तो ये जो साइक्लोन है क्या करेगा, जब सी से जा रहा है तो मॉइस्ट एयर को अपने साथ कैरी करेगा और ज्यादा मॉइस्चर को लेते हुए जाएगा वार्म सी से, इसके कारण ये काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अब हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है उसका हम बुलेट पॉइंट जान ले ताकि वो हमें रिवाइज करने में मदद करे कि हम लोगों ने क्या समझा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया सेक्शन 118A इन द केरला पुलिस एक्ट, इसमें हम लोगों ने देखा कि ये न्यूज में क्यों आया, फिर अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ व्हाट आर द चेंजेस, फिर जरूरत क्यों पड़ा सेक्शन 118A केरला पुलिस एक्ट का लाने का, वो भी ऑर्डिनेंस रूट के द्वारा, और जो रीजन है क्रिटिसिज्म का, तो क्रिटिसिज्म का जो रीजन है उसके वैलिड पॉइंट। देन उसके बाद हम लोगों ने किया फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट, इसको और किस नाम से हम जानते हैं, फिर इसको एकम्पनीड किया जाएगा, उसका जो इसका फैक्ट था वो देखा, न्यूज में क्यों आया, जरूरत क्यों महसूस हुआ इस प्रोजेक्ट का, मेघालय ग्रोइंग मशरूम इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर हम लोगों ने रोरिडोमाइसिस फाइलोटोसाइटिस के बारे में जाना इस मशरूम के बारे में, फिर बायोल्यूमिनेशन इन फंगी जो है उसका प्रोसेस देखा। देन हम लोगों ने किया एक्सरसाइज सिटमैक्स 20,
इसमें हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा एडिशन था, कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, फिर फैक्ट इसके रिगार्डिंग, ये सेकेंड एक्सरसाइज था, पहला एक्सरसाइज जो था तो वो कहाँ पे हुआ, किसने ऑर्गेनाइज किया था। देन हम लोगों ने किया डिस्ट्रेस माइग्रेशन इन बोंडा ट्राइब, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि फ्रॉम वेयर द ट्राइब बिलोंग, ये जो ट्राइब है कहाँ से बिलोंग करते हैं, विच ग्रुप में, किस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, जैसे पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, फिर लोअर बोंडा और अपर बोंडा के बारे में जाना, फिर इनका जो लैंग्वेज था वो देखा, फिर न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने किया अवर्टिंग एंड लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है ये देखा, फिर पहली बार पहला यूनिसेफ रिपोर्ट है जो कि कंप्रिहेंसिवली आउटलाइन कर रहा है जो कंसिक्वेंस है पेंडेमिक का चिल्ड्रेन पे, जो इसका प्रभाव पड़ा उसके बारे में बता रहा है, फिर इस रिपोर्ट का हाईलाइट देखा। देन हम लोगों ने किया डुरन लाइन, तो इसमें तो हम लोगों ने सिंपल फैक्ट देखा डुरन लाइन से रिलेटेड और उसके बाद न्यूज में क्यों आया। अब कल डेट हम लोगों ने किया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किसको ये अवार्ड दिया जाता है, फिर फैक्ट रिगार्डिंग दिस अवार्ड, फिर इंडिया में ये अवार्ड किसको अभी तक मिला है 4 डेकेड में। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा साइक्लोन निवार, इसमें हम लोगों ने देखा न्यूज में क्यों आया, फिर साइक्लोन निवार के बारे में जाना, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।